कैसे प्रिंट और सेंसरशिप का रिलेशन इंडिया में प्री कॉलोनियल इंडिया फॉलोड बाय कॉलोनियल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम पे इंडिया पहुंच चुकी थी बैटल ऑफ प्लाशी हो चुका था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 1798 से पहले तक प्रेस सेंसरशिप के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करती थी अगर उन्हें थोड़ी बहुत ही चिंता थी भी तो उन्हें चिंता थी उन इंग्लिशमैन से उन अंग्रेजों से जो खुद भारत में बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी की खिलाफत करते थे उन्हें इसलिए इस बात का डर था क्योंकि अगर ऐसे इंग्लिशमैन चलते रहे तो जो क्रिटिक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन में बैठे हैं उनको शह मिल जाएगी सो टू प्रिवेंट दैट दे मेड श्योर की जो क्रिटिकल इंग्लिशमैन थे

इन्होंने उन लोगों को परसिक्यूट किया तो यही प्रॉब्लम थी बाकी एज सच प्रेस सेंसरशिप की कोई इश्यू नहीं था 1820s में भी यही हाल था स्लाइट स्लाइट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए 1820s में कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाली और ईस्ट इंडिया कंपनी ने के ऑफिशियल्स ने यह भी बोला कि ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छी लाइट में दिखाते हैं उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट्स निकाली कलकटा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स निकाली विच टॉक्ट अबाउट प्रेस कर्विंग प्रेस फ्रीडम कंट्रोलिंग प्रेस फ्रीडम तो ये सब थोड़े छोटे छोटे एडवांसेस थे अगेंस्ट लाइक लिटिल बिट ऑफ सेंसरशिप लेकिन इनके बाद क्या हुआ इतने ज्यादा पेटिशन आने लगे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा इतना ज्यादा इसकी खिलाफत होने लगी कि 1835 थर्टी फाइव तक गवर्नर, गवर्नर जनरल बेंटिंक ने कह दिया भैया जी पुराने फ्रीडम रूल ले आओ

बट इट वॉज ओनली आफ्टर 1857 आजादी की पहली जंग 1857 के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें प्रेस को सेंसर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अब लोगों में आज़ादी की भावना उमड़ रही है तो अब हमें उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन वर्नाक्यूलर प्रेस वर्नाक्यूलर प्रेस आम बोलचाल की भाषा की प्रेस उसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस 1878 में सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है 1878 बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड व्हिच वाज ऑनलाइन मतलब इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आयरिश प्रेस एक्ट जो आयरिश प्रेस एक्ट है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कुड सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स गवर्नमेंट के पास ये शक्ति आ चुकी थी कि वो रिपोर्ट्स को सेंसर कर सकते हैं एडिटोरियल्स को सेंसर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो इनअप्रोप्रियट है या कंपनी के खिलाफ है गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ वर्नैक्यूलर प्रेस इन डिफरेंट प्रोविंस अलग अलग प्रांतों में जो भी वर्नाक्यूलर प्रेस होती थी उसकी जांच पड़ताल कर, कर ही उसे पब्लिश किया जाता था यह अब एक पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट की बन गई उनकी ऐसी एक स्कीम चलती थी जो मैंने यहां पे एज अ फ्लोचार्ट बताया है। अगर उन्हें कोई रिपोर्ट दिखती थी तो वो पहले उस प्रेस को एक वार्निंग कर देते थे, ठीक है? अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ये ऐसी रिपोर्टिंग बंद कर देते थे स्टॉप कर देते थे जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं होता था या, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वो करते जाए वो सडिशियस रिपोर्टिंग फिर भी करते जाए और अगर वो ऐसा करते थे जो कि ज्यादातर केसेस में होता था उनकी प्रेस को बंद कर दिया जाता था क्लोज कर दिया जाता था सील कर दिया जाता था उनकी मशीनरी कॉम... कॉन्फिस्केट कर दी जाती थी मशीनरी ले ली जाती थी उनकी प्रिंटिंग इन शॉर्ट बंद कर दी जाती थी उनके न्यूज़पेपर या जो भी पब्लिकेशन uh, है उसको बैन कर दिया जाता था तो इन दिस वे सेंसरशिप रोल प्ले हुआ इन दिस वे सेंसरशिप की स्कीम चली सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ वाज सेडिशियस रिपोर्टिंग स्टॉप ये इसका मैकेनिज्म है ये इसका तरीका है ये इसका सीक्वेंस है जो फॉलो किया जाता था

अब बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर फाइंड मतलब डिस्कवर किया था सेटअप किया था जिसका नाम था केसरी नॉट पंजाब केसरी पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इन्होंने केसरी करके का एक बार शुरू किया था जो आई थिंक महाराष्ट्र में था और जब पंजाब के कुछ रेवोल्यूशनरीज को 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया ठीक है पंजाब रेवोल्यूशनरी को पंजाब से बाहर कर दिया जब उन्हें डिपोर्ट कर दिया पंजाब से 1907 में तब बाल गंगाधर तिलक ने उन लोगों के बारे में बहुत सहानुभूति से अपनी केसरी अखबार में लिखा उन्होंने उनके बारे में बहुत सिंपथाइज करके लिखा और इस कारण नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों में बड़ा तो अगेन वो केसरी अखबार नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर के तौर पर यूज किया जा रहा था इवन दो सेंसरशिप एक्ट्स वर इन प्लेस तो आप यहां देख सकते हैं कि चाहे अंग्रेजी सरकार या हुकूमत ने जो मर्जी किया हो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू टू तो ग्रो

चाहे सेंसरशिप करने की कोशिश की गई हो लेकिन ये बाजी उल्टी पड़ गई एंड एक्चुअली नेशनलिस्ट मूवमेंट बिग्न डेवलपिंग बिकॉज ऑफ इट। क्लियर? सो विद दिस वी